हे गाइस, ये वाला व्लॉग है हम लोग बाबुलनाथ मंदिर और महालक्ष्मी टेंपल जाने का। सो हम लोग ने टैक्सी पकड़ी चर्च गेट से और अभी जा रहे हैं बाबुलनाथ। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक है। सो ये तो कुछ नहीं, हम तो काफ़ी देर तक ट्रैफिक सिग्नल पे रुक रुक के जा रहे थे। सो नाउ यहाँ से हम बाबुलनाथ जा रहे। सो काफ़ी 15 से 20 या 30 मिनट लगे थे, मुझे भी इतना याद नहीं है। एंड यहाँ से फिर हमको नज़ारा दिखा मरीन ड्राइव का, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया मरीन ड्राइव के भी वीडियोस। अभी यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे अटके, एंड ये देखो कितने सारे लोग हैं मरीन ड्राइव पे। दिस लुक्स लाइक कोरोना एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, भले वो वीकेंड्स हो या वीकडेज़ हो। एंड तुम देख सकते हो आसपास ये थोड़ा सा खाली लगा एरिया। सो यहाँ से जा रहे हैं हम बाबुलनाथ, तो थोड़ा एंजॉय कर लो व्यू को भी एंड सन रेज ऑफ कोर्स। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड ये पूरा मेट्रो के लिए, तुम ये देख सकते हो LND का कंस्ट्रक्शन। सो बस ये देखो कैप्चर कर लिया काफ़ी चीज़ें, बच्चे लोग भी खेल रहे हैं पानी में। यहाँ से फिर हम पहुँच गए बाबुलनाथ। यहाँ से एंट्रेंस है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे तुम इस्कॉन का टेंपल देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स एंड ऑल वो मिल जाएंगे तुमको। वॉक करके जा रहे हैं आगे, काफ़ी सही कैप्चर किया मैंने। एंड यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो बीच में मंदिर भी है, एस्केलेटर से जाने का सोच रहे हैं। यहाँ पे घर भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे गणपति मंदिर है और आगे देवी का मंदिर भी है। तो ऐसे यहाँ पे वेल भी है जो नहीं चल रहा है, तो यहाँ से हम वॉक करके एस्केलेटर में जा रहे हैं। एस्केलेटर का 1 रुपी पर पर्सन है, सो ये कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम पहुँच गए। यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ से भी इस्कन का दिखता है टेंपल। सो वॉक करके हम जा रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे शूज़ भी रखने के लिए जगह है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स है, यहाँ पे लिखे हुए हैं चीज़ें जो हम लोग को रियल लाइफ में बहुत काम आएंगे। एंड आगे हम ज़्यादा फिल्म नहीं कर सकते, वीडियोस या फ़ोटोज़ भी अलाउड नहीं है, तो काफ़ी कम इमेजेस या वीडियोस निकाल पाई हूँ जितना भी हुआ। सो यहाँ पे है हमारे भोलेनाथ जी, काफ़ी पीसफुल प्लेस है। एंड यहाँ बहुत से भगवान के भी और भी मंदिर है तुम देख सकते हो। एंड यहाँ बैठने के लिए भी जगह है, तो यहाँ कंस्ट्रक्ट जस्ट किया गया, यहाँ पे बैठ सकते फैमिली के साथ आ रहे हैं। एंड बहुत सच में बहुत शांत वाला एरिया है, अच्छा लगता है। यहाँ से हम नीचे आ सकते दूसरा रास्ता, मीन्स अगर आप एस्केलेटर से नहीं जाना चाहते आगे, ये सब नीचे ये सब दिखेंगे आपको। और यहाँ है एग्ज़िट का एरिया, तो हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने गाय को चारा खिलाया, फिर अभी जा रहे हैं महालक्ष्मी टेंपल। तो अभी महालक्ष्मी टेंपल जाते जाते काफ़ी ट्रैफिक मिला हमको, यहाँ से भी टैक्सी लिया। सो महालक्ष्मी टेंपल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते में यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर भी है, तो फ़िलहाल हम लोग महालक्ष्मी टेंपल जा रहे हैं, यहाँ हम अगले बार जाएंगे। यहाँ से जाते वक्त भी हमें मंदिर मिले, गणपति मंदिर, और यहाँ पे हनुमान जी भी है, और काफ़ी सारे मंदिर है यहाँ पे ये एरिया में। और ये देखिए गणपति जी, यहाँ पे दूसरे भी मंदिर है, और ये सब तुम विज़िट कर सकते हो दूसरे अगर एरिया से आ रहे हो तो। एंड हम पहुँच गए, ऑलमोस्ट पहुँच गए महालक्ष्मी। ये देखिए मंदिर, अभी महालक्ष्मी मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ लेना पूरा ही मना है, मतलब मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे तुम देख सकते हो। और अभी अंदर जाएंगे हम। सो एक इमेज मैंने
गूगल से डाला है बिकॉज़ फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं है। ये महालक्ष्मी टेम्पल के पीछे का एरिया है जहाँ पे पूरा पानी पहले भर जाता था, लेकिन अभी पूरा एकदम सूख गया क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो अभी हो गया, हम लोग कर लिए दर्शन, बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे दूसरा गेट है, दूसरे जगह से निकले तो यहाँ पे एक और मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो यहाँ पे भी तुम जा सकते हो। सो दैट्स ऑल, हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया टाइम, बहुत ही पीसफुल प्लेस है, यू शुड विज़िट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।